हाय, मैं हूँ सामिया खान। वेलकम टू खाना खजाना चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और इसे हम इजीली घर पे बना सकते हैं। तो मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। इसका ऊपर ऊपर का हरा पोर्शन लेना है छीलने के बाद। ये 2 किलो लौकी ली है मैंने और ये 2 किलो ही दूध है इसमें। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी भी ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स इसमें डालें। और ये मैंने शुगर लिए हैं, ये 3 कप है शुगर। आप चाहें तो शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक भगोना ले लिया है और गैस चला दी है। तो हम सबसे पहले जो लौकी में जो मॉइस्चर है इसे ख़त्म करेंगे। देखिए, आप ध्यान ना कि लौकी में जितना भी मॉइस्चर है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसे हम चलाते रहेंगे, जलाना नहीं है इसे, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। बिल्कुल इसे इस तरीके से हमें चलाना है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तभी हलवा हमारा अच्छा बनेगा। देखिए, नीचे पानी है इसमें, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए तब। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि लौकी का मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे और जो हमने हरी इलायची ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो लौकी थोड़ी बहुत कच्ची रह गई होगी ये इसमें पकेगी दूध के साथ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे करीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। शुगर ऐड करेंगे। देखिए, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें ऐड। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनता है लौकी का हलवा और आप इसे ऐसे इस तरीके से इस रेसिपी से घर में बना भी सकते हैं इजीली। अब इसे फिर ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि जो हमारी शुगर है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। देखिए, देखेंगे एक बार। ये बीच बीच में चलाते रहें, बहुत टेस्टी बनेगा ये। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में, बट ये बहुत टेस्टी बनता है हलवा। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और रख देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, हमारी लौकी अच्छे से गल चुकी है और हम इसे एक साइड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें रोस्ट करेंगे। देखिए, हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे रोस्ट करेंगे। और ये देसी घी है, मैंने 1 टेबल स्पून करीब लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने देसी घी लिया है। और हम इसमें जो है अब मेवा रोस्ट करेंगे, एलमंड्स। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने से इसमें टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसे वैसे भी डाल सकते हैं चाहे तो, और घी ऐड करने से तो और भी ज़्यादा। अब देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। तो जो ये देसी घी है इसमें भी ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आ चुका है। हम इसमें किशमिश डाल देंगे, ये बाद में डालने चाहिए।
इसे थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हम अपना हलवा डाल देंगे इस तरीके से, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे जो है हमारे लौकी के हलवे में टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देसी घी से हलवे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम देसी घी इसमें ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें ताकि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से मिक्स हो जाए हलवे में। अभी मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रखे हैं इसे। देखिए हमारा हलवा कितना टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं इसे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे लौकी का हलवा कितना टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। सो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।